हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्किन वाइटनिंग स्क्रब लेकर के आई हूँ। जी हाँ, स्किन वाइटनिंग स्क्रब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो स्क्रब है वो आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, मॉइस्चराइज करेगा, स्किन पे ग्लो ला करके देगा। जी हाँ, जो अमूमन हर स्क्रब आपको नहीं देते, बिल्कुल ये नेचुरल स्क्रब है और इस स्क्रब को कॉम्बिनेशन सेंसिटिव एंड बेबीज के लिए भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, आप समझ सकते हैं तो ये कितना नेचुरल है क्योंकि आप इसे बेबीज पे भी ट्राई कर सकते हैं। फेशियल लेयर्स को रिमूव करता है, डेड स्किन को निकालता है, स्किन को क्लीन करता है, सॉफ्ट बनाता है। तो जी हाँ, आई चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पे दूध लिया है, दूध यहाँ पे जो आप देखते हैं फुल फैट मिल्क है, और ब्रेड मैंने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड का यूज़ किया है। अगर आपके पास व्हाइट ब्रेड नहीं है तो आप कोई से भी ब्राउन ब्रेड का यूज़ या होल व्हीट ब्रेड जो आती है अब वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस ब्रेड को लेना है और हम इसे दूध में डिप कर देंगे। जी हाँ, इस तरीके से इसे हम अच्छे से दूध में डिप कर देंगे। मैं यहाँ पे दो स्लाइसेस का यूज़ किया है, आप जितना चाहें अपने दूध के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसे डिप कर देंगे अच्छे से ताकि सारा जो मिल्क है हमारा इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और बात करती हूँ, मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क का यूज इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो मलाई होती है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी और जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, अगर स्किन आपकी सेंसिटिव है तो आप एक बार पैच टेस्ट जरूर करें। तो इस तरीके से हम डाल करके इसे छोड़ देंगे कुछ मिनटों के लिए ताकि इस दूध जो है हमारा पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले ब्रेड में। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने जो अपना मास्क बनाया है या स्क्रब बोलूं, तो ये पूरी तरीके से इससे मिक्स हो चुका है। आपको भी सेम इसी तरीके से इसे मिक्स करना है और हम इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई तो इस तरीके से इसे लगाना है। अभी आपको जो ये मास्क है वो आपके जैसे आप सारे फेस मास्क लगाते हैं बिल्कुल वैसे तो ये नहीं लग पाएगा क्योंकि ये ब्रेड है और ये आपको एक्सफोलिएट करना है। तो सिंपल पहले इस तरीके से आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है क्योंकि ये मास्क जैसा नहीं है, इसकी आपको स्क्रबिंग करनी है। तो ठीक है, आपको इस तरीके से अप्लाई करके छोड़ दे। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तब हमको इसको स्क्रबिंग करते हुए इसे उतारना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने जो फेस मास्क लगाया था या बोलूं जो ये स्क्रब लगाया था वो ड्राई हो चुका है। आपको भी इसे 10 से 15 मिनटों तक अपने इसी तरीके से इसे फेस पे रखना है और जब आपको लगे ये ड्राई होना स्टार्ट हो गया तब आपको स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग जैसे आप सारे स्क्रब को यूज करते सेम वैसे ही करना है। तो आपको सिंपल यहाँ पे करके बता रही हूँ इस तरीके से हम इसको स्क्रब करेंगे। ये थोड़ा मैसी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से जब आप इसे कर रहे तो अपने आस पास टॉवल का यूज कर ले या टॉवल रख ले, या अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा है, आप इसे अपनी जब नहाने जाते हैं तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसकी मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में। इस तरीके से हमें इसकी स्क्रबिंग करना है। ये फेस स्क्रब जो है सबसे पहली बात आपके जो क्लीन जो करता है आपके फेस को, इस डेड सेल को रिमूव करता है। आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा क्योंकि इसमें मिल्क है और मिल्क में आप सब जानते हैं स्किन को हाइड्रेट रखने की प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पे जो ब्रेड का यूज किया है, ब्रेड आप सब जानते हैं कि ब्रेड में रिफाइंड फ्लावर है, शुगर है, एडिबल ऑयल, ये सारी चीजों से मिल करके बनी होती है। तो ये इसमें हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइट बनाने की प्रॉपर्टी होती है। जी हाँ, तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको करना है। ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, साथ में आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। आप देख रहे हैं कितनी अच्छे से हमारी स्किन की मसाज हो रही है। तो सेम इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको स्क्रबिंग करनी है। करीब अगर आप चाहे तो 2 से 5 मिनटों तक के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि एक माइल्ड स्क्रब है। जी हाँ, तो स्क्रबिंग दोस्तों हमारी हो चुकी है। अब हम इसे हल्के गर्म या बोलूं हल्के कुनकुने पानी से हमें इसे वॉश कर लेना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया। मेरे हाथ बहुत ज्यादा साफ लग रहे हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। बिल्कुल बेबी सॉफ्ट स्किन होती है बिल्कुल वैसे मेरे हाथ सॉफ्ट लग रहे हैं और बहुत ज्यादा जैसे मैं इससे पहले मेरे हाथों का कलर काफी डल लग रहा था, उसके बाद इसको अप्लाई करने से मेरे हाथों का कलर बहुत ज्यादा साफ लग रहा है। आप इस स्क्रब को अपने फेस पे अप्लाई करके देखिए और मैं आपसे ये नहीं कह रही कि एक बार लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क समझ में आएगा या बिल्कुल गोरे, ऐसा नहीं है। आप इसे अप्लाई करके देखें तो आपको इंस्टेंट आपकी स्किन, तो सबसे पहली बात है आपकी स्किन पे एक ग्लो आएगा इसको लगाने से, स्किन सॉफ्ट एंड हाइड्रेट हो जाएगी क्योंकि कोई भी सभी सीजन में स्किन को हमेशा हाइड्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस स्क्रब को अगर आप यूज करते हैं तो आपकी स्किन सॉफ्ट एंड हाइड्रेट हो जाएगी। आपकी अब मैं आपको पास से दिखा रही हूं, अभी मैंने कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया और आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट एंड ग्लोइंग लग रही है। मैं आपको पास से दिखा रही हूं तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट एंड ग्लोइंग लग रही है। सिर्फ मैंने इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है। यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, मेरे ये स्क्रब पसंद आया होगा तो इसे शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।